आज हम बात करने वाले हैं एक बढ़िया मिड कैप कंपनी जिसका नाम है DCM श्रीराम, जिसकी शुरुआत सर श्रीराम ने करी थी, जिनका फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हैं। इनकी एज 1884 से 1963 तक रही। तो सर श्रीराम जो हैं वो फाउंडर पर्सन रहे हैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का, जो कि एक रेनाउंड कॉलेज है दिल्ली में। उसके ये संस्थापक या फाउंडर पर्सन रहे हैं, और इसके जो चेयरमैन है एट प्रेजेंट वो हैं हमारे DCM श्रीराम के जो चेयरमैन हैं मिस्टर अजय श्रीराम। हालांकि DCM श्रीराम की बैलेंस शीट में या एनुअल रिपोर्ट्स में कहीं भी ये लिखा नहीं होता है कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को ये कोई फंडिंग देते हैं या इससे कोई रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जस्ट मैंने आपको एज ए इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए कि इसके। तो हम पहले इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देख लेते हैं। जो अजय श्रीराम है वो चेयरमैन है, और ये जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आए हैं। मैनेजमेंट इन्होंने हार्वर्ड से किया हुआ है। इसी तरह से जॉइंट डायरेक्टर हैं अजीत श्रीराम, उन्होंने भी स्विट्ज़रलैंड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के इन्होंने मैनेजमेंट किया हुआ है। और तीनों भाई जो हैं कॉमर्स के फील्ड में ग्रेजुएशन किए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम इस कंपनी की शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी को समझने की कोशिश करें, तो इसको जो है 1992 में इसको एक्सपांशन की है इन्होंने। 40 मेगावाट से जो है 70 मेगावाट का जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं, और ये अपने इंटरनल यूज़ के लिए ही करते हैं मेनली। इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे कि ये कैसे अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं केन की क्रशिंग के बाद जो बचा हुआ गन्ने का जो छिलका रह जाता है उसको बर्न करके या कोल से अपना जो है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा 1996 में कमीशन किए इन्होंने श्रीराम अल्कली केमिकल्स और भरूच, जो इनके जो केमिकल के प्लांट्स हैं वो मेनली कोटा और भरूच, जो कि गुजरात में है और कोटा राजस्थान में, वहाँ पे इनके मेनली प्लांट्स हैं केमिकल्स के। तो इन्होंने 1996 में जो है ये कमीशन किया था केमिकल बिजनेस भरूच में। 2002 में इन्होंने जो है एक्वायर किया ग्लोबल बायोसीड कंपनी को। ये एक बायोसीड भी बनाते हैं जो कि वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और अपना इंडिया में जो है बायोसीड्स का प्रोडक्शन करते हैं। बिजनेस एक्वायर किया अजबपुर यूपी में। इसके अलावा जो है ये रूपानगर में भी इनका एक शुगर प्लांट 2002 में इन्होंने एक्वायर किया। तो ये कंपनी ने फिनेस्टा को लॉन्च किया, जो कि विंडोज़ फिटिंग के लिए काम में आती है। विंडोज़ और दरवाजे जो है फिटिंग काम करती है। 2003 में ये लॉन्च किया इन्होंने। तो इस तरह से आप इनकी जर्नी को देख सकते हैं, जो कि मेनली एक्सपांशन और एक्वायर इन्होंने काफ़ी हद तक किया है, और ये काफ़ी अच्छी मिड कैप कंपनी है जिसका राजस्थान में एक रेप्यूटेड नेम है। तो आइए इसके बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मेनली क्लोर एल्काली का बिजनेस है इनका, जो कि मेनली कॉस्टिक सोडा प्रोड्यूस करते हैं। और जो इसकी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो मेनली कोटा और भरूच में है। तो जो कोटा का प्लांट है वो थोड़ा सा छोटा है, वो 490 टन पर डे के हिसाब से कॉस्टिक सोडा प्रोड्यूस कर रहे हैं, और भरूच में जो प्लांट है वो 1345 टन पर डे के हिसाब से कॉस्टिक सोडा को प्रोड्यूस करता है। और ये जो कॉस्टिक सोडा है हाइपोक्लोरिक एसिड है, क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, कंप्रेस्ड हाइड्रोजन है। ये सब आप देखेंगे तो ये कोई पब्लिक को बेचने वाली चीज़ें नहीं है। ये सारा प्रोडक्शन जो होता है ये फैक्ट्रीज़ को दिया जाता है, और फैक्ट्रीज़ इनका आगे अपने काम में लेती है। तो मतलब ये बिज़नेस टू बिज़नेस इनका मतलब इनका जो बिज़नेस प्रोडक्शन निकलता है वो किसी और बिज़नेस के लिए इनपुट की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल कुछ फार्मास्यूटिकल्स इसमें से ले सकते हैं, कुछ केमिकल बिज़नेस करने वाले इनमें से ले सकते हैं। क्लोरीन जो है पानी को क्लियर करने के लिए काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका साफ़ सफाई वगैरह में काम आ सकता है, हैंड सैनिटाइजेशन वगैरह में इनका कुछ जो केमिकल निकलता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इनका मेन पर्पस इस बिज़नेस से ये है कि दूसरे बिज़नेस को इनपुट के फॉर्म में ये देना। इसके अलावा जो है प्लास्टिक बिज़नेस में भी ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जिसका एक प्लांट कोटा में है वो PVC रेजिन्स और कैल्शियम कार्बाइड बनाता है। तो PVC रेजिन क्या होता है, मतलब प्लास्टिक को बनाने के लिए जो रेजिन्स काम में आते हैं छोटे छोटे टुकड़े, वो ये कंपनी बनाती है। और इसकी कैपेसिटी जो है वो 220 टन पर डे के हिसाब से ये PVC बना रही है कोटा प्लांट के अंदर। और इनका जो है शुगर में भी काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। DCM श्रीराम की एक शुगर शक्कर भी निकल के आती है, जो कि मेनली यूपी में चार प्लांट्स इन्होंने लगाए हुए हैं। यूपी में लगाने का
पर्पज़ वही है, क्योंकि यूपी जो है बेल्ट, वहाँ पे गन्ना बहुत ज़्यादा उगता है, तो वहाँ से गन्ना सीधा इनकी फैक्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और जो है ये 38,000 टन केन डेली का क्रशिंग कैपेसिटी है इनका, मतलब ये जो TCD है वो है टन्स केन डेली, मतलब 38,000 टन डेली केन्स का क्रशिंग करते हैं और उससे जो है ये अपना शक्कर बनाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ से बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, जो कि क्रशिंग के बाद कचरा निकलता है, उससे ये उसको एज ए फ्यूल यूज़ करके उसका 141 मेगावाट का जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, और उसको अपने बिजनेस में फिर से यूज़ करते हैं जहाँ पे फ्यूल की सप्लाई चाहिए। अदरवाइज़ इनका जो मेन फ्यूल है वो कोल बेस्ड प्लांट है इनके, जो कोटा और भरूच में, वहाँ पे फ्यूल के लिए कोल को जलाया जाता है, लेकिन यहाँ से जो वेस्टेज निकलता है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो शुगर के जो प्लांट्स हैं वो चार हैं, वो हैं अजबपुर, रूपापुर, हरियावन और लोनी, और इनकी कैपेसिटी जो मैंने इन टोटल बताई थी 38,000 टन डेली के हिसाब से, और यहाँ पे आप प्लांट वाइज भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो इनका बिजनेस है वो फार्म सॉल्यूशंस में, मतलब ये फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, जो कि नीम कोटेड फर्टिलाइज़र ही बनाते हैं कोटा वाले प्लांट में। बायोसीड के अंदर भी काम करते हैं, जहाँ पे ये सीड को तैयार करते हैं फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया में। वहाँ पे मेनली जो है कॉर्न, मक्के का जो है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन इंडिया में वेजिटेबल और सभी तरह के फसलों के बीज ये बनाते हैं। फर्टिलाइजर्स जैसे मैंने बताया, नीम कोटेड यूरिया, ये कोटा प्लांट में ये बनाते हैं, और इसका जो मीट्रिक टन सालाना 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया ये बनाते हैं, फर्टिलाइज़र ये बनाते हैं। इसके अलावा जो अदर प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं, फिनेस्टा की बिल्डिंग सिस्टम से, मतलब जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर ये लोग अपना डोर फिटिंग या फिर दरवाजे की फिटिंग में लकड़ी का जो फ्रेम हुआ करता था, तो उसको रिप्लेस करके एल्यूमिनियम और PVC वाले प्लास्टिक वाले फ्रेम्स लगा रहे हैं, और इसका इनके पास एक डेडिकेटेड शोरूम्स भी है इस फिनेस्टा ब्रांड का, तो ये भी काफ़ी अच्छा अर्निंग दिखा रहा है इनके इस पोर्टफोलियो में। इसके अलावा जो सीमेंट है वो भी ये लोग 4 लाख मीट्रिक टन का सीमेंट बनाते हैं, और ये जो सीमेंट बना रहे हैं एक वेस्टेज जो है कैल्शियम कार्बाइड का, जो कि इनका मेन बिजनेस है क्लोर अल्काली, उसका वेस्टेज के फॉर्म में ये कैल्शियम कार्बाइड निकलता है, उसका वेस्टेज का यूज़ करके ये लोग 4 लाख मीट्रिक टन का सीमेंट भी बनाते हैं। तो इनका ये पॉइंट अच्छा है कि जो बाय प्रोडक्ट में जो इनका कुछ वेस्टेज निकल रहा है, उससे या तो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, उससे सीमेंट बना रहे हैं, तो उसका भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, मतलब कचरे का यूज़ करके अपना बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम इसके रेवेन्यू सेगमेंट की बात कर लें, तो मेनली जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है 2020 के फाइनेंशियल ईयर में, शुगर बिजनेस से 32% है, और केमिकल के बिजनेस से 30% 29% के आसपास है। फर्टिलाइज़र और बायोसीड और जो इनका फार्म सॉल्यूशन है उनके हिसाब से भी कुछ है, आप यहाँ चार्ट में देख सकते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो मेनली क्लोर अल्काली के बिजनेस से होता है, क्लोर विनाइल के बिजनेस से 52% का इनका प्रॉफिट होता है। तो ये जो प्रॉफिट है इसका मतलब ये हुआ कि हालांकि रेवेन्यू 32% शुगर से ज़्यादा है, लेकिन शुगर से उतना इनको प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट इनका जो मेन है वो केमिकल बिजनेस से, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, यानी कम कॉस्ट में बनकर तैयार हो जाता है और हाई लागत पे ये लोग बेच देते हैं, तो इनका प्रॉफिट ज़्यादा वहाँ से होता है, जबकि शक्कर के बिजनेस में बहुत सारे कंपिटिटर्स हैं और वहाँ पर मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं होता है, जितने की बन रही है उतने की बिक रही है, तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकल के आता, लेकिन इनका जो केमिकल का बिजनेस है उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। डिविडेंड के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा डिविडेंड हिस्ट्री रही है, और इस साल भी इन्होंने जो है इंटरनल डिविडेंड्स के फॉर्म में 8 रुपये 20 पैसे का हर एक शेयर के ऊपर इतना डिविडेंड दिया है। और अगर हम इसके शॉर्ट टर्म टेक्निकल्स की बात कर लें कि ये कंपनी का पोटेंशियल अभी कैसा नज़र आ रहा है मुझे, 2021 में जनवरी में ये 395 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे कैंडल देखेंगे जो बड़ी बड़ी कैंडल बनी है यहाँ डाउन होने की, तो उसके आधे तक तो ये बेधड़क चला जाएगा ये शेयर, क्योंकि उससे पहले कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ ये जो दो कैंडल्स डाउन की थी तो इसके आधे से ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, तो यानी कि ये यहाँ तक तो आने की पूरी पूरी संभावना है।
तो पॉसिबिलिटी पूरी बनती है कि 470-75 तक ये अचीव कर सकता है, और 500 का लेवल भी ये टच कर सकता है, क्योंकि वहाँ से पहले कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आता है हमें टेक्निकल चार्ट्स पे। तो अभी एक अच्छा टाइम है इसको बाय करने का 375 के ऊपर। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात कर लें तो ये कंपनी का फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग नज़र आता है। डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.2 के या 0.3 का मान सकते हैं हम, जो कि मिड कैप कंपनीज के लिए काफ़ी कम माना जाएगा। और प्रमोटर होल्डिंग भी इसमें काफ़ी अच्छी है, लगभग 67% की प्रमोटर होल्डिंग है, और इसका आरओसी भी जो है 18% के आसपास, और मिड कैप कंपनी है, 6,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इसके वैल्यूएशंस अभी अट्रैक्टिव नज़र आते हैं, तो इसको कंसिडर किया जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर ली जाए तो लास्ट ईयर इनका 906 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2020 में 707 करोड़ का प्रॉफिट है। तो इनकी जो एनुअल रिपोर्ट थी इसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि इनका जो जो ये डिक्लाइन है प्रॉफिट में, वो मेनली विदेशों में जो क्लोर एल्काली बिजनेस है उसकी जो प्राइसेस है उसमें करेक्शन था। मतलब लास्ट ईयर उसकी प्राइसेस काफ़ी अच्छी मिली थी उनको, लेकिन इस साल जो है उसकी प्राइसेस थोड़ी कम थी, इसलिए ये बिजनेस में प्रॉफिट में डिक्लाइन है। अदरवाइज़ वैसा कुछ अलार्मिंग नहीं है कि यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है तो कंपनी कुछ घाटे में चल रही है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और इस साल का जो है अभी तक का 565 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है जनवरी तक, एक क्वार्टर और अभी इनके पास, तो ये डेफिनेटली इस साल भी 700+ का दिखा देंगे इस साल भी 2021 में। बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी नज़र आ रही है अच्छी, शेयर कैपिटल इन्होंने डाइल्यूट नहीं किया है, जो कि एक अच्छी बात है। और बोरोइंग्स के फील्ड में ये कंपनी ने अपना कुछ उधार कम कर लिया है, अभी जो है करंट बोरोइंग 1170 करोड़ की नज़र आती है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.3 था, वो भी अच्छा है। इसके अलावा अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो इसका जो मेनली शेयर से वो प्रोमोटर्स के पास ही हैं, 66.5% का सेप्टेम्बर क्वार्टर में इन्होंने है इनके पास, प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग। और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास भी होल्डिंग पड़ी हुई है, जैसे LIC है और न्यू इंश्योरेंस कंपनी है, इसके पास भी जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास कुछ 10% की होल्डिंग है। इस और फंडामेंटल्स हमने इस वीडियो में कवर किया, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ से था। अगर आपको ये वीडियो और ये एनालिसिस अच्छा लगा तो ये आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह के मिड कैप कंपनीज और उनसे रिलेटेड फंडामेंटल्स यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।